आइए दोस्तों, अत्तारी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मुकदम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, अत्तारी हेल्थ केयर से आज तक जो भी दवाइयाँ पहुँचाई जाती हैं उन इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ स्क्रीन को चमकाने की। देखिए दोस्तों, कौन सा ऐसा तेल है जो नाभि में डालने से स्क्रीन चमक जाती है, यानी कि चेहरा चमकीला और खूबसूरत सुंदर हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। दोस्तों, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें, ना जाने कौन सी वीडियो आपके काम की निकल आए और आप उसे इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ना जाने कितने लोग इन समस्याओं से परेशान हों और ये वीडियो उन सब लोगों के पास पहुँच जाए और उनकी समस्याएँ दूर हो जाएँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था नाभि में तेल डालने की। कौन सा ऐसा तेल है जिससे नाभि में डालने से चेहरा खूबसूरत और सुंदर हो जाता है, ठीक है, और बढ़ती उम्र भी रुक जाती है, यानी कि बुढ़ापा जाहिर नहीं होता। क्योंकि जब हमारा चेहरा खिला हुआ खूबसूरत होगा और ये झुर्रियाँ सी जो पड़ जाती हैं चेहरे पर, ये चीज़ें नहीं पड़ेंगी तो हम हमेशा जवान से नज़र आते हैं, ठीक है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा 60-60, 70-70 साल के हो जाते हैं और चेहरा बिल्कुल साफ क्लीन होता है उनका, तो उनकी उम्र भी जाहिर नहीं होती कि कितनी उम्र होगी, यानी कि बुढ़ापा जाहिर नहीं हो पाता। अगर आप अपना बुढ़ापा को रोकना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन को चमकाना चाहते हैं, जवान बनाना चाहते हैं, तो आप इस तेल को अपनी नाभि में डाल लें। सिर्फ 2-3 बूंदे डाल लिया करें, इसके इस्तेमाल से आपका चेहरा भी चमक जाएगा, पहले से कई गुना खूबसूरत, या जिनका चेहरे पर खुश्की रहती है तो खुश्की भी दूर हो जाएगी। इस तेल के डालने से दोस्तों आपकी चेहरा तो चमकेगा ही, सुंदर बनेगा ही, इसके साथ साथ पेट की समस्याएँ भी आपकी दूर हो जाएंगी और जो माइग्रेन की समस्या है तो माइग्रेन की समस्या भी दूर हो जाएगी, यानी कि दिमाग जो कमज़ोर हो चुका है आपके दिमाग की कमजोरी भी दूर हो जाएगी इससे। दोस्तों, क्योंकि ये हमारे शरीर का सेंटर होता है, ठीक है, इस सेंटर में अगर हम कोई भी चीज़ डालते हैं, नाभि में कोई भी चीज़ डालते हैं तो ये चारों तरफ पहुँचती है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह आप अगर नाभि में ये तेल डालते हैं तो इसके इस्तेमाल करने से आपका चेहरा भी सुंदर बनेगा और साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। अब दोस्तों, आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कौन सा तेल है जिसके इस्तेमाल से हमारी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस तेल को आप रेगुलर ही आज इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग अपनी सब्जियों में, खानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वो सरसों का तेल, ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोग सभी इस्तेमाल करते होंगे सरसों के तेल को, मगर दोस्तों तरीका इस्तेमाल का नहीं होता हर इंसान को नॉलेज कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी है। अब हम खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमें खाने का ही नॉलेज है कि हमें किस तरीके से खाने में डालना है या सब्जी में हमें ये तेल डालना है, ठीक है। तो दोस्तों, सरसों का तेल एक ऐसा तेल है दोस्तों कि ये हमारे शरीर की खुश्की को भी दूर करता है और जो चेहरे पर खुश्की होती है ये चेहरे की खुश्की को भी दूर करता है और दोस्तों हमारे यानी कि स्क्रीन को चमकाता है, साफ सुथरी बनाता है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर तरह तरह के दाने वगैरह निकल आते हैं तो इन समस्याओं को भी दूर करेगा। मगर ऐसा नहीं दोस्तों कि आप नाभि में आज ही तेल डालें और कल को ही चेहरा चमक जाए, कम से कम आपको 2-3 महीने करना पड़ेगा और ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, ठीक है। आप रेगुलर ही इसे डालते रहें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका चेहरा तो चमकेगा ही, आप जवान तो नज़र आएंगे ही, उसके साथ साथ आपकी शरीर की और भी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों, मैं इसी तरह की जानकारियां देता रहता हूं, फिर अगले वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।